हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश हेयर विद नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो स्टोरी है रिप वैन विंकल की स्टोरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये स्टोरी आपकी हेल्प करेगी वो कैब को इम्प्रूव करने में, प्रैक्टिकली ये देखने के लिए कि जो आपने इंग्लिश में सीखा है उसका यूज़ कैसे होता है, और साथ में आप इम्प्रूव करेंगे आपके रीडिंग स्किल्स को। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 361। तो वीडियो नंबर जो पिछली थी उसको भी जरूर वॉच करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो भी, फुटप्रिंट के ऊपर एक पूरा अच्छा स्टोरी था, उसको जरूर वॉच कर लें पिछली वीडियो को। और उससे जो पिछली वीडियो है 359 उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, उसमें मैंने आइल्स का एडवांस्ड एसे नंबर 10 रीड करके आपको 1 ईयर कोर्स के अंदर दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे डाउनलोड कर लें, और उसमें 1 ईयर का कोर्स है, प्राइस भी बिल्कुल अफोर्डेबल है, 599 ओनली फॉर 1 ईयर। तो उसमें वो सारी वीडियोज़ है जो यूट्यूब पर नहीं आएंगी, और उन वीडियोज़ के बिना आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर भी नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होंगी, डाउट्स होंगे। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ अपने उस कोर्स के अंदर, आप चाहें तो उसको ज्वाइन जरूर करें। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो चलिए आप रीड करना इसे शुरू करते हैं। तो देखिए ये स्टोरी, पहले ये रीड कर लेते हैं एक बार तो आपको आइडिया मिल जाएगा इस स्टोरी के बारे में। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है। अबाउट मतलब के बारे में। अब हम इस रिप वैन विंकल के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो कोमा लगा के इसका हम कुछ कैरेक्टर बता रहे हैं। कैसा था ये? अ गुड नेचर्ड, एक अच्छे नेचर का, बट लेकिन लेजी मैन। कह रहे हैं एक अच्छे नेचर का लेकिन लेजी मैन था। हु, जो गोज अवे, जो चला जाता है इन टू द हिल्स, हिल्स में। एंड और फॉल्स असलीप, और सो जाता है। व्हेन ही अवेकन्स, जब वो जागता है 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद। रिप फाइंड्स दैट, उसको वो पाता है क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, मतलब काफ़ी चीज़ें हैव चेंज्ड, बदल चुकी होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या स्टोरी है। रिप वैन विंकल एक अच्छे नेचर का, गुड नेचर्ड लेजी मैन होता है, जो हिल्स में चला जाता है और सो जाता है, और जब वो जागता है तो 20 साल गुजर चुके होते हैं, और तब वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये है स्टोरी। तो अब हम इसको रीड करते हैं। तो देखिए इसको, एक एक लाइन को मैं आपको बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें क्योंकि आपकी ये हेल्प करेगी आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करने में। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, एट द फुट हिल ऑफ द कटस्किल माउंटेन्स। कह रहे हैं कि जो कटस्किल माउंटेन्स हैं उसके ऑफ लगा हुआ है, यानी कि ऑपोजिट पढ़ेंगे, कटस्किल माउंटेन्स के फुट हिल मतलब नीचे वाला एरिया। तो उसमें बहुत समय पहले वॉज अ लिटल विलेज, एक छोटा सा गांव था। अब जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ कहाँ पर पड़ता है? जो शिवालिक माउंटेन है, शिवालिक माउंटेन रेंज, उसके फुट हिल में पड़ता है, मतलब बिल्कुल नीचे वाली तरफ में। तो चंडीगढ़ इज एट द फुट हिल ऑफ द शिवालिक रेंज, उसी तरह से एट द फुट हिल ऑफ द कटस्किल माउंटेन्स, कटस्किल माउंटेन के फुट हिल में वॉज अ लिटल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज, गांव में। अब देखिए यहाँ पे अ यूज हुआ है क्योंकि विलेज की बात हो रही है, पहली बार मेंशन किया, जब दोबारा से इसी विलेज का मेंशन हो रहा है तो हम द का यूज कर रहे हैं। इन द विलेज, गांव में लिव्ड, रहता था, लिव्ड सेकेंड फॉर्म रहता था, अ सिंपल, एक सिंपल सा, गुड नेचर्ड फैलो, एक अच्छे नेचर का फैलो, मतलब जिसको आप बोलते हैं क्लास फैलो वगैरह, साथी वगैरह। नेम्ड, अब जब आपको किसी का भी नेम मेंशन करना हो स्टोरी में तो आप लिखेंगे नेम्ड, जैसे देर वॉज अ मर्चेंट, एक मर्चेंट था, सौदागर था, नेम्ड रविंद्रनाथ, ठीक है, तो हमने नेम्ड लिखा। उसी तरह से कह रहे हैं, इन द विलेज, विलेज में रहता था एक सिंपल गुड नेचर्ड फैलो रहता था, नेम्ड, नेम क्या था? रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक दयालु पड़ोसी था।
काइंड मतलब होता है दयालु, नेबर मतलब पड़ोसी। जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा दयालु नेबर था। और क्या था? रेडी, तैयार रहता टू हेल्प एनीवन, मतलब सबकी मदद के लिए तैयार रहता। एवरीवन इन द विलेज, सभी गांव में लाइक्ड हिम, उसे पसंद करते। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, गांव के बच्चे शाउटेड विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाते। वेन एवर, जब कभी भी, दे सो हिम, वे उसे देखते। बिकॉज, क्योंकि, ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ खेलता। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, वो उनको पतंग उड़ाने सिखाता। एंड शूट मार्बल्स, और जो कंचे थे वो खेलता, मतलब आप जिनको बंटे बोलते हो कि बंटे खेलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मार्बल। तो उनके साथ मार्बल्स खेलता। एंड टोल्ड देम, और उन्हें सुनाता लॉन्ग स्टोरीज, लंबी लंबी कहानियां। तो इसके बाद देखिए, द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज, कह रहे हैं दी ओनली प्रॉब्लम, जो ओनली प्रॉब्लम थी रिप के साथ, वॉज थी दैट की ही वॉज वेरी लेजी, कह रहे हैं सिर्फ एक प्रॉब्लम थी उसके पास, वो थी कि वो लेजी था। ही डिड, वो करता नो वर्क, कोई काम नहीं, वो कोई काम नहीं करता। ऑन हिज ओन फार्म, अपने खुद के फार्म में, मतलब खेतों में। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, अपने समय को वेस्ट कर देता। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ पे वर्ब यूज हुई है आइडल अवे। अब आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं, आइडल अवे। आइडल अवे का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, वेस्ट करना। जैसे आप बोलते हैं निठल्ला, बेकार, जो थाली बैठा रहता है उसको आप आइडल बोलते हैं, IDLE। ठीक है, मैंने पहले भी कराया था, 2-3 वीडियो पहले। आइडल, ऐसी आइडल अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है, आइडल अवे इसका मतलब वेस्ट करना। तो वो वही कह रहे हैं कि उसके साथ यही प्रॉब्लम थी कि वो लेजी था, और वो कोई काम नहीं करता अपने फार्म में। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, अपने समय को बर्बाद कर देता। इसके बाद लिखा है, हिज फेंसिस वर फॉलिंग टू पीसिस, जो उसकी फेंसिस थी। फेंसिस किसको बोलते हैं? जो खेत होता है उसके जो चारों तरफ प्रोटेक्टिव वॉल होती है उसको बोलते हैं फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग। तो हिज फेंसिस, जो उसकी प्रोटेक्टिव वॉल्स होती थी, वो टूटती जा रही थी। हिज काउ, उसकी गाय, वॉज गोइंग एस्ट्रे, वो कहीं पे गुम हो जाती। गो एस्ट्रे का मतलब होता है कहीं भी गुम हो जाना, इधर उधर भटक जाना, उसको बोलते हैं गो एस्ट्रे। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड भी आप याद कर लें, काफी अच्छा है। भटक जाना, इधर उधर भाग जाना, उसको बोलते हैं गो एस्ट्रे। तो गाय जो थी उसकी, फेंसिंग तो टूट चुकी थी उसकी, चार दीवारी प्रोटेक्टिव वॉल, और उसकी गाय कहीं भी चली जाती। तो ये दोनों वर्ड, और भी अगर कोई ऊपर वर्ड आया तो उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट आप इनको याद कर सके। इसको याद कर लो, गुड नेचर्ड, इसके बाद एक नाउन लगा दो कि रवि इज अ गुड नेचर्ड बॉय, और इसमें कोई इतना खास नहीं है वर्ड। अगर देखा जाए तो मार्बल्स याद कर सकते हैं, और इनके अलावा कोई इतने बड़े वर्ड नहीं है। तो आगे देखते हैं, और ये वाला भी याद कर लें, एट द फुट हिल ऑफ। तो अब चलिए आगे। तो कह रहे हैं उसकी जो गाय थी वो कहीं भी भाग जाती, भटक जाती। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, जो उसके खेत थे उनका, उसका जो फार्म था उसमें वीड उग गए। अब वीड किसको बोलते हैं? जो भांग का पौधा होता है उसको भी वीड बोलते हैं, या जो घास घूस होती हैं उनमें मोस्टली भांग ही होती है, वो वहां पे उग गई उसके फार्म में। तो वीड्स ग्रू, वो उग गई, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू, उसके फार्म में, उसके खेत में। रिप्स, रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो उसका लगातार का साथी था, साथी, इस कंपेनियन को साथी बोलते हैं। और कॉन्स्टेंट मतलब निरंतर, लगातार। तो कॉन्स्टेंट कंपेनियन क्या हुआ? जो लगातार उसके साथ रहे। तो रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन था, वॉज हिज डॉग, उसका कुत्ता। नेम्ड, उसका नाम था वुल्फ। अब देखिए, नाम द्वारा से आ रहा है तो हमने क्या यूज कर दिया? नेम्ड। तो यहाँ पे ये वर्ड याद कर लीजिए, कॉन्स्टेंट कंपेनियन, वीड। ठीक है, कॉन्स्टेंट कंपेनियन और वीड। इसके बाद आगे आगे लिखा है, टू अवॉइड वर्क, मतलब काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे, वो कहीं चला जाता।
इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में विद हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ। तो हम यहाँ पे पास्ट हैबिट के लिए वुड का भी यूज कर सकते हैं, और कई बार क्या होता है स्टोरीज में हम यूज्ड टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम स्टोरीज बताने के लिए यूज्ड टू लगाते हैं, कई बार हम यूज भी नहीं करते हैं। स्टोरीज में मोस्टली हम पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म लगाकर सुना देते हैं, तो वही काम यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे वुड शो कर रहा है उसकी हैबिट को। आगे लिखा है, और वुड के मैंने 22 यूजेस आपको बताए हैं अपने वन ईयर कोर्स के अंदर, 22 यूजेस। तो आगे देखिए, वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, मतलब वो सिर्फ चलता ही और चलता ही रहा, एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट, और वो सबसे ऊंचे वाले पार्ट पे पहुंच गया, ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों के सबसे ऊंचे पार्ट पे वो पहुंच गया। अब हाईएस्ट के लिए और क्या क्या वर्ड आप लगा सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाईएस्ट के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। तो ये आपको कमेंट करना है अभी, बिल्कुल अभी, मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि है कम से कम मुझे 6 पता है कि हाईएस्ट के लिए क्या क्या वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो ये है आपका टास्क, अभी बताएं। तो आगे क्या हुआ, इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, कह रहे हैं कि दोपहर में लेट हो चुका था, काफ़ी दोपहर हो चुकी थी, मतलब आफ्टर जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो ख़त्म होने वाला था। तो इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, वो दोपहर के ख़त्म होने का ही ऑलमोस्ट समय था। वेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचा, कहाँ पे, हाईएस्ट पार्ट पे, टायर्ड, थका हुआ, आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, उसकी लंबी चढ़ाई के बाद। अब यहाँ पे देखिए, जब शुरू में एक एडजेक्टिव लगा देते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कह रहे हैं ये काम हो चुका है, टायर्ड मतलब थका हुआ, आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, उसके लंबी चढ़ाई के बाद, ही ले डाउन, वो लेट गया, तो लाए मतलब लेटना और ले मतलब सेकेंड फॉर्म, लाए ले लेन, ही ले डाउन, वो नीचे लेट गया, एंड बिगैन, शुरू कर दिया, डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग बोलते हैं दिन में सपने देखने के लिए, तो उसने दिन में सपने देखने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डे ड्रीमिंग दिन में सपने देखना, ले डाउन लेट जाना, और ये वाला जो है ये आपको कमेंट करना है हाईएस्ट पॉइंट के लिए और क्या क्या वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स। तो आगे क्या हुआ, इट वॉज सून इवनिंग, मतलब जो इवनिंग है उसका अर्लियर टाइम था, एंड ही रियलाइज्ड इट, उसने एहसास किया, उसको एहसास हुआ, इट वुड बी नाइट, कि इट वुड बी नाइट बाय द टाइम, मतलब अंधेरा हो जाएगा बाय द टाइम, जब तक ही रीच्ड हिज विलेज, जब तक वो अपने गांव पहुंचेगा। तो इसका पूरे का मतलब है इट वॉज सून इवनिंग, मतलब इवनिंग हो गई थी, स्टार्ट ही हुई थी, एंड ही रियलाइज्ड, उसको क्या एहसास हुआ, इट वुड बी नाइट, की अंधेरा हो जाएगा बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, तो अंधेरा हो जाएगा बाय द टाइम, जब तक ही रीच्ड हिज विलेज, वो अपने गांव में पहुंचेगा। तो ये है रिप वैन विंकल, तो बच्चे इसको बहुत पसंद करते थे, अभी आया था ना ऊपर की बच्चों के साथ ये खेलता, और ये है इसका डॉग, क्या नाम था इसका, वुल्फ, भेड़िया नाम रखा हुआ था। तो अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी, अब ध्यान से इसको और पढ़िए। सडनली, अचानक से, अब तो वो डे ड्रीमिंग कर रहा था और उसको लगा कि लेट हो जाएगा घर पे, अब उसके आगे है, सडनली अचानक से, ही हर्ड, उसने सुना, अ वॉइस, एक आवाज, कॉलिंग आउट, पुकारते हुए, रिप वैन विंकल, अब उसने किसी को सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, पुकारने का मतलब होता है कॉल आउट। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर करा रखा है, अगर याद है तो बार बार हर वीडियो में ही वो यूज हो जाता है, सी, कैच, हियर और फाइंड वाला, हर स्टोरी में आपको मिलेगा। इसमें भी फिर से आ गया, देख लीजिए, हियर का आ गया सेकंड फॉर्म, उसके बाद मैंने कहा कोई चीज, उसके बाद मैंने कहा था हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, तो वही चीज यहाँ पर है। उसने सुना किसी को पुकारते हुए, किसी की आवाज, और क्या कह रही थी, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने आसपास देखा, एंड सो, और देखा, अ शॉर्ट, एक बौना ओल्ड मैन, शॉर्ट मतलब होता है हाइट में छोटा, एक ओल्ड मैन देखा, विद थिक हेयर, मतलब बाल उसके कैसे थे, थिक थे, मोटे मोटे थे, एंड अ ग्रीजल्ड बियर्ड। अब ग्रीजल्ड बियर्ड कौन सी होती है, यानी कि आपने देखा होगा
कलरफुल जो बियर्ड होती हैं, जिसको ग्रेइश टाइप में होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रिजल्ड बियर्ड। बियर्ड मतलब मूछें, सॉरी दाढ़ी, और ग्रिजल्ड मतलब हल्की कलरफुल सी होती है, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने आपको, ये देखिए ये ओल्ड मैन उनको मिले। अब इनकी दाढ़ी देखिए कैसी है, ठीक है, कलरफुल है, तो ग्रिजल्ड बियर्ड थी उसकी। तो उसने एक शॉर्ट ओल्ड मैन को देखा जिसके बाल थिक थे एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड, ठीक है, उसकी दाढ़ी कैसी थी, ग्रिजल्ड थी, कलरफुल थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए विद अ बैरल, बैरल के साथ। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर जो अभी मैंने अभी अभी जस्ट बता के हटाऊं कि हियर सी, और भी जो दो बताए थे, यहाँ पे कोई समथिंग आता है, समवन या समथिंग, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आपको लगानी होती है, और आईएनजी कब नहीं लगानी वो भी मैंने बता रखी है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हियर आ गया, उसके बाद यहाँ पे समथिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म लग गया। अब यहाँ से आपका अगला सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ही लुक्ड एंड सो, अब यहाँ पे सो आ गया, सो के बाद किसको देखा, अ शॉर्ट ओल्ड मैन, अब ये एक व्यक्ति आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे एक व्यक्ति आ गया, और उसके बाद ये सारा एक इस पर्सन के बारे में ही बता रही है ये सारी लाइन। उसके बाद देखिए आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, वॉकिंग चलते हुए, तो उसने इधर उधर देखा, लुक अराउंड, और एक ओल्ड मैन को देखा जिसकी हेयर थिक थे और ग्रिजल्ड बियर्ड थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो हमेशा यूज होता है, जिसने तो वो कर लिया उसको तो कोई इशू आ ही नहीं सकता है। तो यहां तक समझ में आया, आते हुए देखा खुद की तरफ विद अ बैरल। अब बैरल किसको बोलते हैं, एक वुडन कंटेनर जो होता है उसको बोलते हैं बैरल, वुडन कंटेनर। आपको दिखा देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, ये है बैरल, इसको बैरल बोलते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ ना कुछ, या लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको बैरल बोलते हैं। एक लकड़ी का कंटेनर जिसमें कोई चीज रखा जाता है, वुडन कंटेनर, तो इसको बैरल बोला है। तो आगे क्या हुआ, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम, अब वो जो बौना था, ही मेड, उसने इशारे किए, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करे कैरी द बैरल, बैरल को कैरी करने में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, हेल्प के बाद मैंने कहा था एक पर्सन लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही चीज हो रहा है। ही मेड साइंस, उसने कुछ इशारे किए टू हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करे कैरी करने में, इस बैरल को कैरी मतलब उठाने में। आगे क्या हुआ, रिप हरीड, वो दौड़ते हुए गया, हरी मतलब होता है जल्दी में जाना, जल्दी करना, ही हरीड, उसने जल्दी की टू हेल्प द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए। कौन सा स्ट्रेंजर, हु, अब उसने एक तो जल्दबाजी की स्ट्रेंजर की मदद करने में, कौन सा स्ट्रेंजर था, हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया कसकर टाइटली। टुगेदर, एक साथ, दे रीच्ड अ प्लेस, वो एक जगह पर पहुंचे, वेयर, जहां देयर वर सम मोर ओड लुकिंग मैन, जहां पे और भी थोड़े से अजीब दिखने वाले, यानी कि ओड लुकिंग मैन थे, आदमी थे, प्लेइंग नाइन पिंस, वो नाइन पिंस खेल रहे थे, कोई गेम होगी उनकी नाइन पिंस। तो अभी दिखा देता हूँ, जैसे ये आप देख रहे होंगे, इस गेम को बोलते हैं नाइन पिंस, तो ये गेम खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, मतलब सारे ड्रेस्ड थे उसी तरह से, एंड ऑल ऑफ देम, और वे सभी हैड बियर्ड्स, और उनकी जो दाढ़ियां थी, एंड हैड मतलब, और उनके थी दाढ़ियां ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, मतलब अलग अलग शेप्स की और कलर्स की। तो यहां से मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, एक साथ वो पहुंचे एक जगह पर जहां पर कुछ ऑड लुकिंग मैन थे नाइन पिंस खेलते हुए, वो सारे ड्रेस्ड थे उसी तरह से जैसा वो ओल्ड मैन था, उसी तरह से ड्रेसअप कर रखा था, एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स, और उन सब की दाढ़ियां कैसी थी, अलग अलग शेप्स की एंड कलर्स की। अब क्या हुआ, इवन दो, हालांकि देवर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वो गेम खेल रहे थे, देयर फेसिस वर सीरियस, उनका जो चेहरे थे वो सीरियस थे, एंड और देयर वॉज साइलेंस, और बिल्कुल शांति थी, द ओनली साउंड वॉज
जो साउंड थी वो केवल किसकी थी, बॉल्स, द नॉइस ऑफ द बॉल्स, केवल बॉल्स की नॉइस, विच विच एकोड, जिसने गुंजा दिया था, जो गूंज रही थी इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, थंडर की तरह, मतलब गड़गड़ाहट की तरह। अब सिंपल मतलब है ये विच यूज हुआ है बॉल्स के लिए, ठीक है। सिर्फ वहां पे क्या किसकी साउंड थी, बॉल्स की साउंड थी। विच एकोड, एको का मतलब होता है गूंजना। आपने देखा माउंटेन्स पे आप बोलते हैं कोई है, फिर वहां से एक वॉइस रिटर्न होती है, कोई है कोई है कोई है, यानी कि जो आप बोलेंगे उसका 3-4 बार रिपीट होके आपको साउंड सुनता है, उसको एको बोलते हैं, गूंज। तो वही सारी गूंज वहां पर थी माउंटेन्स में, एक थंडर की तरह। थंडर मतलब क्या होता है, आपने गड़गड़ाहट सुना है, जब बादल आपस में टकराते हैं तो एक आवाज होती है, उसको बोलते हैं थंडर। तो आगे क्या हुआ, एज जैसे ही रिप एंड हिज कंपेनियन, रिप और उसका साथी, अब उसका साथी कौन था, वो जो भी ओल्ड मैन था या फिर जो भी डॉग था, रीच्ड देम, जब उनके पास पहुंचे, ठीक है, जब अभी तो वो सो गया था सोने के आई थिंक सोया नहीं, हाँ अभी सोने के बाद वो डे ड्रीमिंग कर रहा था, सपने देख रहा था, तो वहां पे उसने ये आदमी देखा था, तो उसका कंपेनियन और वो वहां पे पहुंचे उनके पास जो खेल रहे थे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया, एंड स्टेड, और घूरा एट रिप, रिप को घूरना शुरू कर दिया उन्होंने। अब स्टेयर के साथ एट लगा हुआ है, हमेशा एट लगता है, तो उन्होंने घूरा रिप को विद अ फिक्स्ड गेज, मतलब लगातार टकटकी लगाकर, गेज मतलब होता है देखना, बस देखते ही जाना, निहारते ही जाना, तो फिक्स्ड गेज मतलब बस उसको देखते रहे, किसको, रिप को। तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और गेज करते रहे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, वो सच में बहुत ही भयभीत था, भयभीत हो गया। हिज कंपेनियन, उसका साथी जो था, अब यहाँ पे साथी मतलब डॉग की बात नहीं हो रही है, वो ओल्ड मैन की बात हो रही है जो पहली बार मिला। हिज कंपेनियन, उसका साथी, एम्प्टीड, उसने खाली किया, एम्प्टी मतलब खाली, और एम्प्टी को वर्ब ले लो तो खाली करना। हिज कंपेनियन एम्प्टीड, उसने खाली किया द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैरल, जो कॉन्टेंट्स थे मतलब सामग्री थी, इंग्रेडिएंट्स थे बैरल के, मतलब उस वुडन कंटेनर में जो भी था उसने उसको खाली किया, इंटू ग्लासेस, ग्लासेस में, एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और रिप को वो पिलाया। अब ये पॉजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, मेक, फिर कोई पर्सन, फिर आईएनजी फॉर्म, मतलब जब कोई किसी से कोई काम करवाता है, तो उसने उसको पिलाया, मेड रिप ड्रिंक इट, पास्ट है, सेकंड फॉर्म आ गई मेक की, तो उसको उसको पिलाया खाली करने के बाद। अब यहाँ पे वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, याद कर लो, एको मतलब गूंज, वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो गुंजा देना, थंडर मतलब गड़गड़ाहट होना, कंपेनियन इज साथी, स्टेयर एट मतलब घूरना, गेज मतलब निहारना, एम्प्टीड मतलब खाली करना, बैरल मतलब वुडन कंटेनर, फ्राइटेंड मतलब भयभीत, कॉन्टेंट्स मतलब होते हैं इंग्रेडिएंट्स, सामग्री जो भी उसके अंदर है। तो ये सारे वर्ड आप याद कर लें, आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब उसको पिला दिया वो, रिप ओबेड, रिप ने आज्ञा मानी, एज क्योंकि, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, क्योंकि वो डर से कांप रहा था, सिंस ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो थर्स्टी था। अब यहां पे देखिए सिंस का यूज, एक गाइस एक चीज याद रखिएगा, एज का यूज, सॉरी एज का यूज, सिंस का यूज, फॉर का यूज, बिकॉज का यूज किस तरह से होता है, यानी कि इन सभी की हिंदी एक ही है, अलग अलग तो हिंदी है ये जो इनका यूज होता है, उनके अलावा एक यूज ऐसा है जिनमें इन सभी का एक ही मतलब होता है, और वो इतना ज्यादा यूज होता है, कोई भी स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी जो इनके बिना बनी हो, और आपको ये चारों का मतलब नहीं पता होता है, इसीलिए आप सही से ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, 250 के आसपास है, 240 और 50 के बीच में आपको मिलेगी शायद, वो मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर है, जो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या डिफरेंस है, और जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ इसीलिए मैं 2 मिनट में मीनिंग बता देता हूँ कि ये इसका मीनिंग है। तो अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन डेफिनेटली करें, शॉर्टकट मत लें इंग्लिश को सीखने का, नहीं तो पता क्या होता है, 4-4 5-5 साल बर्बाद होते हैं। अगर आप
एक साल लगाकर मेरे कोर्स से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा जो आपको अभी नहीं मिल सकता है। इसलिए कभी शॉर्टकट मत लें, जो भी शॉर्टकट लेते हैं फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। बाकी आपकी जैसी इच्छा, मैं तो यही कहूंगा कि आप कोर्स ज्वाइन जरूर करें। तो अब क्या हुआ, सिंस क्योंकि ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था, ही ड्रैंक, वो पी गया अ फ्यू मोर ग्लासेस, कुछ और ग्लासेस भी, एंड स्लोली और धीरे धीरे फेल इन टू अ डीप स्लीप, वो गहरी नींद में चला गया। अब क्या हुआ, ऑन वेकिंग अप, उठने पर ही फाउंड, उसने पाया दैट कि ही वॉज एट द प्लेस, वो जगह पर था। अब ये द लगा, इसका मतलब कोई ना कोई खास प्लेस है। वो एक जगह पर था, कौन सी जगह, वेयर, जहां ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जहां पे वो ओल्ड मैन से मिला था, जहां पे वो ओल्ड मैन से पहली बार मिला था। अब हैड का यूज क्योंकि डबल पास्ट है, तो यहाँ पे वेयर रिलेटिव प्रोनाउन। आगे क्या हुआ, ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आईज को रब किया, जैसे आप करते हैं आईज को रब, उसने आईज को रब किया। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, मतलब एक मतलब ब्राइट सनी मॉर्निंग थी, सूर्य निकला हुआ था, चमक रहा था, वैसी सुबह थी। श्योरली, अब उसके एग्जैक्ट वर्ड है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, श्योरली वगैरह पक्का, आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, मतलब मैं पूरी रात यहाँ सोया नहीं होऊंगा, थॉट रिप, उसको ऐसा लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, उसने वुल्फ को इधर उधर देखा, वुल्फ मतलब उसका डॉग, तो उसने लुक अराउंड मतलब होता है अपने चारों ओर देखना, उसने अपने चारों ओर देखा वुल्फ को, बट लेकिन ही वॉज नोवेयर, वो कहीं भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, उसने उसके लिए सीटी मारी, विसल मतलब होता है सीटी मारना, वुल्फ वुल्फ, उसने सीटी मारी या फिर वो जैसे भी उसने सीटी भी मारी होगी, बुलाया भी होगा। ही देन शाउटेड, उसने फिर वो उसने चिल्लाया, फिर क्या हुआ, नो वॉज सॉरी, नो डॉग वॉज टू बी सीन, मतलब कोई कुत्ता नहीं दिखा, नो डॉग वॉज टू बी सीन। ये भी मैंने आपको स्ट्रक्चर एक अलग से करा रखा है, जो मेरा डेली यूज सेंटेंसेस का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करके, उसमें भी इस टाइप के सेंटेंसेस दे रखे हैं। तो नो डॉग वॉज टू बी सीन, मतलब कोई कुत्ता नहीं दिखा। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ये कुत्ता कहाँ चला गया है। अब वो उस टाइम कह रहा है, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये एग्जैक्ट उसके वर्ड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक थे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहे हैं ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अब अपने उसने अपने आप से कहा, मटर मतलब आपने देखा होगा, मैं बोल रहा हूँ यार कहाँ चला गया मेरा कुत्ता, कहाँ पे, यानी कि खुद से ही बात करो, उसको बोलते हैं मटर करना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, उसने खुद से मतलब बात की एक तरह से। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन, वो उसने फिर पहाड़ से उतरना शुरू कर दिया, टू गो बैक टू हिज विलेज, अपने विलेज की तरफ वापस जाने के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डिसेंट, अब डिसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे उतरना। जैसे जब आप कोई भी मान लो, आपको मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है ये पहाड़ है और अब मैं इस पे चढ़ रहा हूं, तो मतलब असेंड कर रहा हूं, ASCEND, असेंड। अब मैं नीचे उतर रहा हूं तो डिसेंड, DECEND, डिसेंट, ठीक है, असेंड और डिसेंट, चढ़ना और उतरना। तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है, उसमें भी ऐसा ही होता है, पहले रनवे होता है, रनवे पर एरोप्लेन रन करता है, फिर टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करता है तो अब क्या कर रहा है, असेंड करता है, उसके बाद ये सिंपल जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है, इसको डिसेंट बोलते हैं, फिर ऐसे गोल घूम के फिर लैंड करता है, इसको लॉयटर बोलते हैं, फिर नीचे लैंड करने को तो पता ही है, लैंड करना। तो एरोप्लेन में भी इस तरह से सिखाया जाता है। तो और आप पूछ रहे थे मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी क्वालिफिकेशन है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है विद 84% एग्रीगेट्स के साथ, तो ये है मेरी क्वालिफिकेशन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो अपने गांव के पास आया। अब देखिए नियर को एज अ वर्ब यूज किया हुआ है, तो आप यूज कर सकते हैं, बैटर को भी वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। ही बैटर्ड हिज इंग्लिश, मतलब उसने अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर लिया। अब बैटर को मैंने यूज किया एक वर्ब की तरह, ही बैटर्ड हिज इंग्लिश, ऐसे ही नियर, वो पास आया अपने गांव के, और एज मतलब जैसे, जैसे ही वो गांव के पास में आया, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों से मिला, बट लेकिन ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था, मतलब वो नहीं जानता था
एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को भी, तो वो किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम, गांव वालों ने भी उसको घूरा, इक्वली सरप्राइज, मतलब इक्वली सेम अमाउंट में सरप्राइज होके, आश्चर्यचकित होके, हैरान होकर कि ये कौन है। तो वैन भी थोड़ा सा देख रहा था कि यार ये कौन है, सब वो लोग भी देख रहे थे ये कौन है, हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है, सेड वन, उनमें से एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले कभी भी नहीं देखा है, सेड अनदर, दूसरे वाले ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी को देखो, एंड हिज रिंकल्ड फेस, और उसके झूरी पड़े हुए फेस को देखो, रिंकल्ड फेस देखा, जब कोई बुजुर्ग हो जाता है उसका चेहरे पे रिंकल पड़ जाते हैं, झूरियाँ पड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं रिंकल। तो वही बोला किसी और ने, फिर क्या बोला कि उसकी वाइट दाढ़ी को देखो और उसके रिंकल्ड फेस को देखो। अब क्या हुआ, ऑन हेयरिंग दिस, यह सुनकर रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, उसने ऐसे किया अपनी चिन को, ठीक है, उसने स्ट्रोक किया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, अब देखिए ये वाला मैंने आपको कई बार बता दिया है, टू हिज एस्टोनिशमेंट, मतलब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो आश्चर्यचकित होकर, अब हमने किया था अकबर बीरबल में, टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, टू हिज सरप्राइज, टू हिज इस तरह से, और यहाँ पे आ रहा है टू हिज एस्टोनिशमेंट, मतलब वो आश्चर्यचकित था। क्यों था, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, मतलब उसने पाया कि उसकी जो दाढ़ी थी वो एक फुट लंबी हो चुकी थी। अब यहां देखिए, ही फाउंड, ये पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे हैड का यूज क्योंकि डबल पास्ट है, तो उसकी जो दाढ़ी थी वो लंबी हो चुकी थी, एंड इट वॉज ऑल वाइट, वो पूरी की पूरी सफेद थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, और ये जो है ना कहाँ से अडेप्ट की गई है, अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, ये जो भी है कोई भी स्टोरी प्ले जो भी है, बाय वॉशिंगटन इरविंग के द्वारा लिखी गई थी ये जो बुक है, इसी से ये छोटा सा किस्सा लिया हुआ है। तो आगे क्या हुआ, एन ओल्ड वुमेन, एक बुजुर्ग औरत, वॉकड अप टू हिम, वो पैदल चलते हुए उसके पास आई, एंड लुकड एट हिज फेस, और उसके चेहरे पर चेहरे को देखा फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, देन फिर शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब उसने कहा, आपने नरेशन की होगी उसमें आपने सीखा एक्सक्लेम कैसे यूज करना है, इट इज रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन, आपका फिर से घर पे स्वागत है, ओल्ड नेबर मतलब आपका फिर से स्वागत है, पुराने हमारे पड़ोसी, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, इन लंबे 20 सालों में। अब देखिए यहाँ पे वॉज का इज का यूज नहीं किया कि मतलब तुम वेयर आर यू दीज 20, नहीं किया, क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है और अभी वो जीवित है, इसलिए हैव, तो उस टाइम उसने कहा होगा वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ हो इतने 20 साल से। तो अब यहाँ पे आके स्टोरी हो जाती है ख़त्म। वैसे तो अब ये स्टोरी और भी बहुत बड़ी है, पूरा बुक है इस पे, पूरी स्टोरी है एक बहुत लंबी, लेकिन मैं आपको बस ये दिखा रहा था कि कैसे आपको रीड करना है। तो हो सकता है अगर मुझे इसके आगे के पार्ट मिले तो मैं लेके आऊँगा उनको भी, लेकिन आपको गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आप एटलीस्ट कमेंट तो कर ही सकते हैं, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर तो ज़रूर कर दें, व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा सकते हो, अपने ग्रुप्स में सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम में सेंड कर सकते हो, तो जहाँ पे आपको लगता है आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप में से जो भी सीरियस लर्नर्स हैं, जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो पहले इंग्लिश को इम्प्रूव करें, उसके बाद स्टोरीज़ को करें, साथ साथ स्टोरी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट कवर अप नहीं होंगे ना, तब तक ये स्टोरीज़ को आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। ऊपर ऊपर से तो समझ लेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, आपको अच्छे से इनको सीखना है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त, तो और अगर चैनल पर आप न्यू है तो सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लें। थैंक यू।